गुर्दों की बीमारी जो है हमारे मुल्क में बहुत कामन हो रही है दिन ब दिन। जैसे कि स्टडीज़ हैं कुछ ऐसी जो कहती थी 1990s में बहुत कम डिजीज़ होती थी, अब इस वक्त हमारे प्रीवेलेंस इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी दो वजूहत हैं, जो मेन वजूहत जिसे कहा जाता है, एक शुगर और दूसरा ब्लड प्रेशर। शुगर का कंट्रोल नहीं होना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होना, दो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में ये बीमारी पैदा करती हैं। हमारे बहुत सी पेरिफेरीज ऐसी हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, और ये हमारे और वो जो एरियाज हैं उधर स्टोन डिजीज़ जिसे हम कहते हैं गुर्दे में पथरी का होना, वो कॉमन है। ठीक है, लाइक द मियाँ वाली, बन्नू, बखर, इस एरिया में हमारे बहुत से ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो पथरी के साथ आते हैं, गुर्दे की पथरी के साथ आते हैं। वाइल द कश्मीर के साइड से जो हमारे पेशेंट आते हैं वो गुर्दे की डिजीज़ के साथ आते हैं। हमारे ज़्यादातर लोग जो है पानी कम पीते हैं और ये प्रोटीन डाइट, हैवी प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हैवी प्रोटीन डाइट बेशक लें, मगर लाइट प्रोटीन डाइट लें, हैवी प्रोटीन डाइट ना लें, और हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्ज़ियों पे और फ्रूट पे ध्यान देना चाहिए। हमारे ज़्यादातर लोग ना डाइट करते हैं, ना वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, मगर उनका ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो रेस्टोरेंट की तरफ होता है, जंक फूड्स की तरफ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ होता है। तो कोशिश करें ये जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो ट्राई इट, कोशिश करें कि आप जंक फूड को अवॉइड करें। हैवी प्रोटीन डाइट्स कैन काज स्टोन्स, कैन काज डिजीज़, एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर शुगर एंड ब्लड प्रेशर। मेरा मैसेज ये है सब लोगों के लिए कि आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, और जितना अच्छा पानी पिएंगे, जितना पानी ज़्यादा पी सकेंगे, उससे आपकी गुर्दे की बीमारियाँ नहीं होंगी। सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी। डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल।